home. शान्ताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरु मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। भगवान श्री राम के पवित्र चरणों में जो कि सर्वत्र हैं और उन्होंने अपने चरणों को इस पृथ्वी पर वामन अवतार में रखा भी है और पवित्र चरण भगवान के जहाँ आँख बंद कर लो वहीं हैं, क्योंकि वो कण कण में विराजमान हैं। उनको प्रणाम करते हुए और आज का प्रवचन शुरू कर रहा हूँ और उसमें सबसे पहले मैं दो बातें आपके सामने कहना चाहता हूँ। आपने रामायण के इस महात्म के प्रवचनों में बार बार ये सुना होगा कि सर्व पाप प्रमुच्यते, सभी पापों का ये नाश करने वाले है। चाहे आप कितने भी बड़े हत्यारे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, व्यभिचारी हैं, संसार में जो भी बुरा कर्म आपने किया हो उसको भी राम भगवान राम के इस रामायण को पढ़ने सुनने और इसका अनुष्ठान करने से वो समाप्त होते हैं। लेकिन मुझे आज दोपहर में एक सीरियल किलर याद आया। वो लोगों को मारता था और मारते हुए कहता था कि अरे ये शरीर तो कपड़ा है, मैं तो तुम्हारा कपड़ा फाड़ रहा हूं, मैं कहां तुम्हें मार रहा हूं। वो कहता था कि वासान से जीर्णा नहीं यथा विहाय। वो कहता था गीता में भगवान ने कहा है कि ना कोई किसी को मारता है ना कोई मरता है, इसलिए मैं मार रहा हूं। ऐसे करके उसने 35-40 लोगों को मारा और बाद में पकड़ा गया और बाद में पता चला कि मानसिक रूप से बीमार है, डिसेबल है, एक तरह का एक सीरियल किलर या जो आदमी डाकू बनता है या आदमी चोरी करता है उसको आदतन चोर होता है, हिस्ट्री शीटर होता है। ऐसे लोग भी आध्यात्म धर्म का और भगवान का देवताओं का सहारा लेकर ऐसे दुष्कर्म करते हैं। चंबल के डाकू जब डाका डालने जाते हैं तो वहाँ जाने के पहले एक बकरा की कुर्बानी दे के काली माता को जाते हैं और लौट कर फिर जो है काली माता की पूजा करते हैं, कुर्बानी देते हैं। ऐसे लोग भैरू भगवान भैरू को बकरा मुर्गा शराब इत्यादि चढ़ाते हैं। मैं आत्मज्ञानी होने के नाते इन सब चीजों का स्पष्ट रूप से खंडन करता हूं, किसी को बुरा लगे अथवा भला लगे। परमात्मा ने इस माया को इतना स्वचालित बनाया है, इसका ऑटोमाइजेशन किया है कि आप जैसा कर्म करेंगे उसका फल आप वैसा भोगेंगे ही। आप किसी पशु का वध करते हैं तो आपका भी वध होगा,
आप अपने आश्रय में रहने वाले लोगों को भोजन नहीं देते, उनको भूखा मारते हैं, तो आपको भी भूखा ही मरना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी बात से आपको इसको समझाना चाहता हूं। एक आदमी ने किसी मजबूरीवश अपना कुत्ता किसी को दे दिया। वो बड़ा परिवार था, लोग अपने अपने रंग में थे, और कुछ दिन तो उस कुत्ते को ठीक से रखा। इसके बाद उस कुत्ते को पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसने कहा तू खिला, उसने कहा उसने खिला दिया होगा, उसने सोचा दादा ने खिला दिया, उसने कहा सोचा होगा छोटे लड़के ने खिला दिया, मजले ने खिला दिया, ऐसे करके कुछ दिन बाद वो कुत्ता कमजोर हो गया, भूखों मरने लगा। बेचारा गरीब खेत में चूहे वगैरह खा के गुजारा करने लगा। एक दिन ऐसा आया किसी जहरीले जानवर को, उसने खा लिया और वो कुत्ता मर गया। जिसने दिया था उसको तो दुख हुआ, लेकिन वो कुत्ते को जो भूखा रखा उसका परिणाम वो मर के उनका पुत्र बना, और पुत्र बनने के बाद उसने उनको भूख से भूखा मारा, उस पुत्र ने उनको भूखा मारा। एक छोटी सी बात है, माया इतनी ऑटोमेटिक है कि आप अगर सोचते हो कि आज आप कुछ गलत किसी के साथ कर रहे हो तो आपको उसका परिणाम भोगना होगा। यदि आपको नहीं भोगना है तो आपका एक ही रास्ता है कि आप किसी ब्रह्मवेत्ता के चरणों में बैठकर आत्मज्ञान प्राप्त करें तो बच सकते हो, नहीं तो नहीं बच सकते। तो मैं ये कह रहा था कि कोई ये सोचे कि मैं पाप कर लूं और फिर रामायण पढ़ के पाप से मुक्त हो जाऊंगा, तो भाई देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो। ये रामायण तो केवल उसको पाप मुक्त करती है जो वास्तव में गलती से पाप किया हो और जिसको पश्चाताप हो रहा हो, और वो बेचारा पाप मुक्ति के लिए तड़फ रहा हो, ढूंढ रहा हो, उसके मन में भक्ति हो, भगवान के प्रति आंखों में आंसू हो, सच्ची दिल में भक्ति हो, वो उसके केवल उसके पाप धुलेंगे। कोई ये सोचे कि मैं नंबर दो की कमाई करके लाखों करोड़ों लोगों को ठग कर फिर एक पंडित को बुला के 25-50 हजार रुपए 1 लाख रुपए खर्च करके एक रामायण का पाठ करवा दूं, भागवत का पाठ करवा दूं, गीता का पाठ करवा दूं, मेरे पाप झड़ जाएंगे? नहीं झड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। ये बात तुम्हें कोई पंडित पुजारी नहीं बोलेगा, ये बात केवल ब्रह्म ज्ञानी बोल सकते। इसलिए ध्यान रखना, ज्ञान हो जाना भी आसान है लेकिन भक्ति का प्राप्त होना उससे भी कठिन है। ज्ञान में भी फिर भी तुम सदगुरु से थोड़ी बहुत अश्रद्धा रख लोगे या सदगुरु को के 100% बात नहीं मानोगे तो भी बेचारा गुरु कैसे भी करके धका के ध्यान करा के तुमको भान में ले जाके फिर बाद में ज्ञान करा देगा, चलो करा देगा। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता। मेरा अनुभव है, निजी अनुभव है कि ज्ञान से भक्ति ज्यादा कठिन है। लोग कहते हैं भक्ति सरल है, सरल नहीं है, वो नकली भक्ति है जो तुम मजीरे बजा के ढोलक बजा के नाच रहे हो, गा रहे हो, चिल्ला चोट कर रहे हो, भक्ति नहीं है। भक्ति में हृदय का 100% समर्पण और निरंतर समर्पण, यानी कि एक 10 मिनट तुम भगवान के लिए रो लिए और 10 मिनट रोने के बाद फिर तुम माया में फंस गए, तो ऐसा नहीं। भक्ति में तो ऐसा होगा जैसे कि कबीर साहब ने कहा है, सुखिया सब संसार है खाए और सोए, और दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। कबीर ज्ञानी थे ना, लेकिन भक्त भी थे। भक्ति में तो आपको गणिका की तरह, अजामिल की तरह, गीत की तरह और शबरी की तरह संपूर्णता से परमात्मा में डूबना होगा, जो आपके बस की बात नहीं है।
अभी आप भक्ति कर रहे हो, पीछे कोई सांप आ गया, भक्ति भाग जाएगी आपकी। लेकिन ध्रुव और प्रहलाद जिन्होंने तपस्या की, ध्रुव के ऊपर सांप लपटे रहे, ध्रुव के आसपास में चीते, बाघ, शेर, तेंदुए सब घूमते रहे, लेकिन ध्रुव डरा नहीं, विचलित नहीं हुआ। उसको मालूम है मरेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन भगवान की भक्ति, उसने तो देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं उधर कि किधर सांप है, किधर तेंदुए हैं, किधर बिच्छू है, कभी काटा भी होगा बिच्छू फिच्छू ने किसी ने, उसको मच्छरों ने भी काटा होगा। मैं कहता हूं भक्ति बहुत कठिन है। एक बेटा अपने पिता की भक्ति नहीं कर पाता, एक पत्नी अपने पति की भक्ति नहीं कर पाती, एक पति अपने पत्नी से प्रेम और भक्ति नहीं रख पाता, एक भाई अपने भाई से प्रेम नहीं रख पाता। तुम भगवान से क्या खाक प्रेम रखोगे? ये तो तुम्हें सिखाने के लिए, ये तो अनार आम सिखाने के लिए परिवार में तुम्हारा जन्म दिया गया है कि तुम परिवार में प्रेम दो, वहां से भक्ति सीखो। तो भक्ति कठिन है। दूसरी बात मैंने ये कहना थी आपसे, और तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो पंडित पुजारी या कोई भी व्यक्ति रामायण पढ़ने या भागवत पढ़ने या गीता पढ़ने या पूजा करने या आरती करने या अनुष्ठान करने को अपना प्रोफेशन बनाता है, वो बहुत ज्यादा खतरे वाले प्रोफेशन में है। क्योंकि यदि भगवान के भक्तों को आपने ठगा तो भगवान उन पर किए हुए अपराध को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन भक्तों पर अगर आपने अपराध किया तो क्षमा नहीं करेंगे। ब्राह्मण का जन्म हो जाने का मतलब ये नहीं कि तुमने ठेका ले लिया, मैं भी ब्राह्मण का ही पुत्र हूं, ऐसा नहीं है कि मैं ब्राह्मण की निंदा कर रहा हूं, निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं ब्राह्मणों को बचाना चाहता हूं। ब्राह्मण का जन्म प्राप्त होने का मतलब ये नहीं कि आपको पूरी दुनिया को ठगने का अधिकार प्राप्त हो गया। ब्राह्मण को विलासिता के जीवन से दूर रहना चाहिए, यथा लाभ संतोष में रहना चाहिए, जो मिल गया उससे खा लिया पी लिया अपना परिवार चला लिया। या फिर ब्राह्मण को इस ये पुरोहित कर्म है वो नहीं करना चाहिए, जाके किराने की दुकान कपड़े की दुकान खोल लो जाओ, तुम्हें धनी कमाना है तो धर्म को धंधा ना बनाओ, इससे बड़ा पाप नहीं। इसलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जहां पर ऐसे श्लोक आए हैं कि ब्राह्मण को ये दो ना वो दो, उसमें मेरी कोई आस्था नहीं, क्योंकि वो मुझे लगता है कि प्रोफेशनल लोगों ने भरे हैं श्लोक, बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम कहो तो 50-100 श्लोक रोज बना बना के आपके सामने रख दूं, संस्कृत के बना सकते। अच्छा, अब एक बात और कहनी है, इसके बाद प्रवचन का प्रारंभ करेंगे। कुछ लोग आजकल कुछ भ्रांति उड़ा रहे हैं टीवी पर, समाचार पत्रों में, कि भगवान राम का जन्म और कहीं हुआ है, कोई कहता है नेपाल में हुआ, कोई कहता है इजिप्ट में हुआ। आज संयोग से मैंने देखा तो जीटीवी पर एक मुस्लिम व्यक्ति जो है स्कंद पुराण खोल के बता रहा था कि देखो इसमें लिखा हुआ है कि भगवान राम का जन्म इजिप्ट में हुआ है। पर मैं आपको बता दूं कि दुर्भाग्य यह है कि हम जो आज जितने उदासीन हैं, इतने ही हजार वर्षों से उदासीन रहे। हमारे ग्रंथों में लोगों ने वैसे ही काट छाट किए जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया था तो वो न्यूज़पेपरों में काट छाट करती थी, करवाती थी। ऐसे ही हमारे धर्म ग्रंथों में लोगों ने मन माना कचरा भरा है, चाहे वो उपनिषद हो या श्रीमद् भागवत हो या रामचरितमानस हो या रामायण हो, वाल्मीकि रामायण हो या और कोई ग्रंथ हो, इसकी पूरी की पूरी एक फौज इस काम में लगी थी। कुछ लोग मंदिर तोड़ रहे थे,
कुछ लोग गांव में माता बहनों को खींचकर उनको बलात्कार कर रहे थे, उनमें से सुंदर लड़कियों को गजनी बेच के बेच रहे थे। कुछ लोग युवकों को गुलाम बना के तलवार की नोक पर उनको जो है कलमा पढ़वा रहे थे, और कुछ लोग हमारी धर्म पुस्तकों को बटोर कर लूट कर ले जा रहे थे। और एक लॉबी थी, एक संगठन था, एक बकायदा विभाग था, जैसे सीबीआई होती है, आईबी होती है, जैसे स्कूल ऑफ स्टडीज होती है, ऐसा इनका एक विभाग था। वो लोग हमारे धर्म ग्रंथों में जानबूझकर ऐसी विरोधाभासी और अपमानजनक बातें भर रहे थे। वो जानते थे कि 100-200 साल बाद भी हमारा ये हम यहाँ पर जो है सांस्कृतिक प्रदूषण और आक्रमण करेंगे, तब ये बातें हम आगे वाली जो पीढ़ी है उनको बताएंगे, देखो तुम्हारे तो किताब में ये लिखा हुआ है। इसलिए मैं आपको एक कसौटी देता हूं, सिर्फ एक कसौटी देता हूं। अगर किसी भी धर्म शास्त्र में काम वासना का समर्थन हो तो समझ लो इसमें किसी ने भरा है, क्योंकि परमात्मा ने काम वासना को केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही सीमित रखा है, मजे लेने के लिए नहीं। अगर किसी में क्रोध का समर्थन हो, कि क्रोध ठीक है साहब, क्रोध करना चाहिए बनाना, तो समझ लो गलत है। अगर कहीं दान दक्षिणा के माध्यम से भगवान के भक्तों को लूटने वाली बात लिखी गई हो तो समझ लेना कि ये गलत है, ये भरी है, या तो यवनों ने भरी है, मलेच्छों ने भरी है, अंग्रेजों ने भरी है, या एक विशेष प्रकार के पंडितों के गैंग ने भरी है। तो कभी भी शास्त्र हर सनातन धर्म काम क्रोध लोभ मोह मान मद और मत्सर इसका समर्थन नहीं करता, इसकी निंदा करता है, इससे अलग हटने के लिए समझाता है। इसलिए मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि संसार में अगर कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है। यहां नर से नारायण हो सकता है आदमी, यहां दूसरे धर्मों में जाओ तो कोई व्यक्ति जो है परमात्मा नहीं हो सकता, यहां पर व्यक्ति परमात्मा हो सकता है। बस मुझे ये बात आपको कहना थी, और ये जो ये बात है जो मैं आपने आपके सामने रखी है, इसको मैं एक अलग प्रवचन मानता हूं, और इसको मैं डालूंगा फिर इस पे यूट्यूब पर। लेकिन चूंकि अब मैं दूसरा जो प्रवचन ले रहा हूं वो उसके से इसको जोड़ दूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अलग मानता हूं, और फिर दूसरा वीडियो इसका आपको प्रारंभ करेंगे।